ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तक की जांच में ये तो साफ हो चुका है कि अंडरवर्ल्ड ट्रक माफिया सुभाष दुधानी वाकई काफी शातिर और चालाक था और उसी की राह पर चल रहा उसका भतीजा रवि दुधानी। कारोबार में हुए नुकसान को नशे के मार्फत पूरा करने की कोशिश, लेकिन तकदीर ने करवट बदली और चाचा भतीजे यानी सुभाष और रवि दुधानी को फिर सलाखें नसीब हुई। दुबई और शारजहां की चकाचौंध में अमीरी का ऐसा चस्का लगा कि फिर उसने अपने कारोबार में हुए घाटे को नशे का धंधे से पूरा करने की कोशिश की। किस्मत ने दुधानी का एक बार साथ दिया और 5 मैट्रिक टन गोलियां 7 समुंदर पार भेज दी गई, लेकिन अगले ही पल बड़ी खेप भेजने से पहले सारे काले राज खुल गए और वो एक पल में ही प्रसिद्ध व्यापारी से इंटरनेशनल ट्रक माफिया के रूप में सबके सामने आ गया। ड्रग्स का अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष दुधानी अभी डीआरआई के सिकंजे में है। उसका भतीजा रवि दुधानी, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड भी उसके सिकंजे में है। लेकिन ये सुभाष दुधानी जो है अडानी पोर्ट पर एक जहाज खरीदा और यहाँ से ये सारा माल दुबई और शारजा भेजना चाहता था। इससे पहले भी 3 कंसाइनमेंट में सुभाष दुधानी मैंड्रेक्स की दवाइयाँ विदेशों में भेज चुका है, जहाँ से दुनिया भर में ये दवाइयाँ पहुँचती थी। लगता है दुनिया भर में नशे के बाजार में ये अपनी धाक जमाना चाहता था और शायद यही सोचकर ये शातिर एक सीधे साधे व्यापारी से नशे का बड़ा सौदागर बन गया। इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली डीआरआई टीम की माने तो सुभाष दुधानी अब तक करीब 5 टन नशा साउथ अफ्रीका और अरब देशों में सप्लाई कर चुका है। ये नशा समुद्री रास्ते से विदेशों में भेजा गया था। दवाइयों के 100 कार्टूनों के बीच एक कार्टून इन नशीली दवाइयों का रख दिया जाता था। संबंधित विभाग भी जाने वाले कार्टूनों में से केवल 8 से 10 कार्टूनों को ही चेक करता था, जिससे ये नशे का सामान आसानी से 7 समुंदर पार पहुंच जाता था। तहकीकात में सामने आया है कि ड्रग मशीनें लगवाने के बाद और करीब 3,000 किलो मैंडेक्स के गोलियां बनाने के बाद वो मशीनें भी वापस भेज दी गई। इसके लिए माफिया ने अडानी पोर्ट पर एक जहाज भी खरीदा और उसी में सारा माल अलग अलग कंसाइनमेंट से दुबई और शारजहां भेजना चाहता था। अब इसमें कांडला और अडानी पोर्ट के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, लेकिन बात दूर की क्या करें। इस शातिर की करतूत तो कुछ ऐसी रही कि इसने अपने ही फैक्ट्री इलाके के दूसरे कारोबारियों को भी इस गुनाह के खेल की खबर नहीं लगने दी। चैंबर ऑफ कॉमर्स करडवास के पूर्व अध्यक्ष मनोज जोशी की माने तो रवि दुधानी और सुभाष दुधानी चैंबर के कभी मेंबर नहीं रहे और उस समय सन ऑप्टिकल्स के स्थानीय प्रतिनिधि अनिल मलखानी सदस्य था। इतनी बड़ी कंपनी का प्रचार भी बहुत हुआ, लेकिन ये कर्जे में आने की वजह से सीज हो गई। रवि दुधानी और सुभाष दुधानी के बारे में जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये था कि सन ऑप्टिक्स के नाम से इन्होंने एक सीडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। मीडिया में भी उस टाइम में बहुत हाईलाइट हुआ कि भाई 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, 200 लोगों को हम यहाँ पे रोजगार देंगे और एक बहुत अच्छा हाईटेक प्लांट लगाया। उदयपुर में कई लोगों की मंशा थी कि इस प्लांट में हम नौकरी करेंगे। उस टाइम में जरूर ये कलड़वास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सन ऑप्टिक्स मेंबर बनी थी और जो इनके प्रतिनिधि थे उस टाइम सुभाष जी नहीं थे, वहाँ पे इनके स्थानीय प्रतिनिधि जी थे अनिल मलकानी जी, वो हमारे मेंबर थे चैम्बर के। आपको बता दें कि अनिल मलखानी भी 2 साल पहले इस कंपनी को छोड़कर जा चुका है। इस कंपनी पर ओवरसीज बैंक का लोन बकाया है, इसलिए करोड़ों की लागत में बनी ये आलीशान फैक्ट्री आज भी सीज है और लोन बकाया होने की वजह से ये प्लांट आज भी बंद पड़ा है। तहकीकात में पता चला है कि करोड़ों के कर्जे में डूबा ये शख्स जल्द से जल्द अमीर बनकर विदेश में शिफ्ट होना चाहता था और उसके लिए ही
इसने ये तैयारियां की थी। सुनसान सी दिखने वाली ये सड़क जहां दिन में भी इक्का दुक्का लोग ही दिखते हैं, वह दो सालों से रात में आबाद हुआ करती थी। मास्टरमाइंड सुभाष दुधानी का भतीजा रवि दुधानी नेपाल और बिहार से लाए मजदूरों के साथ काले कांच की गाड़ियों में आता और इस फैक्ट्री में अपना काम करके चला जाता। एक बार पुलिस ने भी इनको पकड़ा, लेकिन मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दिया। अगर पुलिस उस समय सजग होती तो इतना बड़ा कारोबार पनपने से पहले ही खत्म हो जाता। वाकई अगर पुलिस पहले से ही सतर्क होती तो इतना बड़ा कारोबार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता और ये तस्वीरें सामने भी नहीं आती। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इलाके की पुलिस को भी इसकी खबर नहीं लगी? आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर इस संबंध में क्या कहती है जांच एजेंसी और क्या हुआ जब सुभाष दुधानी को गिरफ्तार कर लिया गया। जारी है हमारी तहकीकात। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया सुभाष अकेला नहीं, और उसने केवल अपने एक ही भतीजे रवि को अपने साथ नहीं लिया, बल्कि अपने दूसरे भतीजे तीनों को भी अपने काले कारोबार में शामिल किया। डीआरआई की टीम अब तक इस मामले में सुभाष सहित रवि और तीनों को भी गिरफ्तार कर चुकी है और जांच टीम ने एक ही परिवार के तीन चेहरों से नकाब उतार दिया है। दुनिया में अपने आप में यह पहला मामला माना जा रहा है जब इस तरह के जुर्म के खेल के राज सामने लाए गए। ड्रग माफिया के तौर पर पहले सुभाष दुधानी की गिरफ्तारी और फिर उसके कोर्ट में पेशी, फिर गिरफ्तार किया गया भतीजे रवि और टीनू दुधानी को और फिर उनकी भी कोर्ट पेशी, जिसके बाद रवि और टीनू को कोर्ट ने 18 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दे दिए। टीनू दुधानी गुडली और कलटवास की फैक्ट्रियों समेत इस काले कारोबार का सभी जगह का लेखा जोखा रखता था। लेकिन सवाल ये है कि लंबे समय से हो रहे इस काले कारोबार की खबर किसी को भी नहीं लगी, तो इसे क्या राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों की चूक माना जाए? क्योंकि राजस्थान के गृह मंत्री तो इसे चूक मानते ही हैं। चलिए आप सुनिए राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का भी वो बयान जो उन्होंने हाल ही में दिया था। ये बात सही है कि उस एरिया में थी, हमको भी उस एरिया की जानकारी होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी रही है, इसको स्वीकारता हूँ। उदयपुर में ही था तो मैंने तो मान लिया ना कि हमारी भी ड्यूटी पड़ती है, कोई बाहर का आदमी उस चीज़ को ढूंढ लाता है और हम लोग अनजान रहते हैं तो हमारी कमी तो कहीं कहीं है। गृह मंत्री खुद मानते हैं कि वाकई चूक तो हुई है और वो भी उन्हीं के गृह जिले में। तहकीकात में सामने आया है कि एक बार पुलिस के जाप्ते ने रवि दुधानी और उसके साथ एक दर्जन मजदूरों को पकड़ा भी था, लेकिन मामूली पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया गया, तो फिर इसे क्या माना जाए? चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर डीआरआई के अधिकारी क्या कहते हैं। ये सीजर को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए बताता हूँ कि इसके अंदर में जो कमर्शियल क्वांटिटी बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा बड़ी सजा है, उसका ये लगभग 50,000 गुना है, जो कमर्शियल क्वांटिटी आपको अधिक सजा दिलाने के लिए काफ़ी है। तो आपको इससे अंदाजा लग सकता है कितना बड़ा कंसाइनमेंट था। तो आपने सुना, डीआरआई अधिकारी कहते हैं कि नशे का कारोबार करने पर जितनी सजा होती है उससे ये 50,000 गुना ज्यादा बड़ा जुर्म है। वाकई हैरान करता है ये गुनाह का खेल, और हैरानी की बात तो ये कि इस शातिर ने अपनी फैक्ट्री में पूरी प्लानिंग से जो तैयारियां की हुई थी वो भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस फैक्ट्री में कुछ दीवारें भी ऐसी बनवाई गई थी जिसे कोई आम शख्स केवल दीवार ही समझता था, लेकिन उन्हीं दीवारों के पीछे यहां लिखी जाती थी गुनाह की इबारत। विशेष बात यह है कि इसके अंदर में एक दीवार बनाई गई थी जिसको कि सामान्य आदमी देखकर यह नहीं बता सकता था
कि इस दीवार के पीछे कोई कंसाइनमेंट रखा जा सकता है। उसके पीछे शटर था जिसको तोड़ के हम लोगों को देखना पड़ा कि उसके अंदर 39 पैलेट्स रखे हुए थे, करीब 800 केजी के वेट के, ये बाद में पता चला। और उनके अंदर टेस्ट करने पे वो बिल्कुल फाइन क्वालिटी का मैनरेक्स टैबलेट नजर आया। बहरहाल जहां का नमक खाया वहीं के ये शख्स गुनहगार बन गए। लेकिन इतना तो तय है कि मैंड्रिक्स के ये मेकर्स अभी और भी राज जांच एजेंसियों के सामने खोलेंगे, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। वाकई बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता, और यहाँ भी इन चाचा भतीजों ने मिलकर जुर्म का जो जाल तैयार किया उस पर किसी की नजर भी नहीं पड़ी। लंबे वक्त से यहाँ नशा तैयार होता रहा, लेकिन इन पर नजर रखने वाले सोते रहे, और दुनिया के कई इलाकों में यहाँ से नशे का कारोबार होता रहा। और फिर जल्द ही अमीर बनने की ख्वाहिश रखने वाले चाचा भतीजों को सलाखें ही नसीब हुई। और आपको बता दें कि इस मामले में DRI टीम ने शनिवार को मुंबई दबिश देकर और दो आरोपियों को शिकंजे में लिया है, जिसके बाद अब इस तक नशे के इस कारोबार से जुड़े 5 लोगों को पकड़ा जा चुका है। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।